आज के बाद एक खरोच भी आई, दुनिया चला दूंगा पापा। तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। भाई साहब, जानवर से ऐसी उम्मीद नहीं थी। बिल्कुल, ये जानवर खूंखार हो चुका है और मात्र एक दिन बचा है और 1 दिसंबर यानी परसों जो ये हमला करने वाला है, लोगों की जेब ढीली होने वाली है। क्योंकि यहाँ तक आते आते भाई इतनी उम्मीद ही नहीं थी कि आज ये अपने एक दिन पहले यानी 2 दिन पहले ही ये मूवी इतना ज़्यादा भयंकर एडवांस कलेक्शन कर लेगी। माय गॉड, हर दिन 3 से 4 करोड़ का इजाफा देखने को मिल रहा है। आज तो फुल डे ज़बरदस्त बुकिंग चलनी है और तो आज और ज़बरदस्त सॉलिड रेस्पॉन्स और रुझान देखने को मिलेगा। कल जो लास्ट दिन बचेगा इसका 30 तारीख, और ज़बरदस्त रुझान देखने को मिलेगा। और 1 दिसंबर को ये जानवर भयंकर भयंकर हमला करने वाला है, क्योंकि मूवी में वायलेंस जिस हद तक देखने को मिल रहा है भाई मज़ा आ जाएगा। लोगों की जेब ढीली हो चुकी थी इस बार, क्योंकि बहुत सी बड़ी बड़ी मूवीज आई हैं। बावजूद इसके वो लोग अपना कॉम्प्रोमाइज करके फिर भी इस मूवी को देखने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई साहब इसका कॉन्टेंट ही दमदार है। डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा ने जो हाइप सेट करके रखी है, लोगों को मजबूर होना पड़ रहा है थिएटर हाउस तक जाने के लिए। सभी चीज़ों पर बात करेंगे, कितने क्या इसकी कलेक्शन अभी तक हो चुकी है, कितना कलेक्शन ये करने वाली है, फर्स्ट डे ओपनिंग में कैसी कलेक्शन रहेगी, क्या जवान पठान और लियो के रिकॉर्ड को तोड़ पाएगी क्योंकि ये ब्लॉकबस्टर मूवी है इस साल की, क्या टाइगर 3 को चेज कर पाएगी, जो भी होगा सब देखेंगे एक एक करके। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को एक लाइक करना है, हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। कब जब एक आध मिनट में काम पसंद आ जाए तब चलिए शुरू करते हैं। वैसे शुरुआत करेंगे एनिमल के ट्रेलर से, जो लगातार हाई पीक पर चल रहा है जबरदस्त तरीके से। एनिमल ट्रेलर अभी तक गेन कर चुका है 71 मिलियन प्लस व्यूज और ये मूवी काफ़ी लेंथी होने वाली है, जबरदस्त लेंथी होने वाली है, जो एक बार के लिए लग रहा है कि भाई साहब कहीं पिटफॉल साबित ना हो जाए, क्योंकि लेंथी मूवीज अक्सर बोरियत का काम करना शुरू कर देती है। RRR जबरदस्त थी, ब्लॉकबस्टर थी, लेकिन भाई लेंथी मूवी थी, कहीं ना कहीं ऑडियंस से डिसकनेक्ट होने लग गई थी। लेकिन ट्रेलर जिस हिसाब से लेंथी था, इतना लंबा ट्रेलर किसी का आता नहीं है, लगभग 3.5 मिनट का ट्रेलर था, उसके बावजूद भी हमें ये ट्रेलर कब शुरू हुआ कब ख़त्म हुआ कुछ पता नहीं चला। तो यही चीज़ शायद हमें मूवी से एक्सपेक्टेशन है कि भाई ये मूवी कब शुरू होगी कब ख़त्म होगी नहीं पता चलेगी, तो मज़ा आ जाएगा क्योंकि ब्लॉकबस्टर मूवी रहेगी। अगर इसको पॉजिटिव रिव्यू मिल गए डे वन के बाद, 1 दिसंबर यानी परसों के बाद, अगर इसे रिव्यू पॉजिटिव मिल गया तो भाई ये फाड़ने वाली है ये मूवी। बात करते हैं डे वन की, मतलब परसों के लिए क्या कलेक्शन अभी से इसने कर लिया है, कितनी एडवांस बुकिंग से हाथ लग चुका है। हिंदी, कन्नड़ा, तमिल सारी लैंग्वेज को डिटेल टू डिटेल कवर अप करेंगे। लेकिन उससे पहले बुक माई सो इंटरेस्टेड आपको बताऊं तो 352,000 का बुक माई सो इंटरेस्टेड हो चुका है इसका। नेशनल चेंज की बात करें तो नेशनल चेंज में भी तबाही मचा रही। कल रात 11 बजे तक की अपडेटेड रिपोर्ट है, अभी सुबह नहीं आई, आई थिंक दिन के 11 या 12 बजे के आसपास आएगी। तो कल रात 11 बजे तक 2 लाख प्लस टिकट ये सिर्फ नेशनल चेन से बेच चुके थे, PVR, INX एंड सिनेपोलिस को मिलाकर। हिंदी से अगर मैं बताऊं तो हिंदी से इस मूवी ने कलेक्शन कर लिया है 12.50 करोड़, यानी 12 करोड़ 50 लाख सिर्फ हिंदी से। भाई ओपनिंग होती है मिशन रानीगंज भी शायद 8 से 7 करोड़ ही ओपनिंग कर पाई थी डे वन पे, अभी तो इसको आज 29 तारीख है, पूरी दिन की एडवांस बुकिंग बची हुई है, उसके बाद कल 30 तारीख की एडवांस बुकिंग बची हुई है, देन उसके बाद 1 दिसंबर को ऑन द स्पॉट जो पब्लिक जाएगी वहां जाके जो कलेक्शन होगा तो जबरदस्त कलेक्शन देखने को मिलने वाला है। हिंदी से सिर्फ 4.5 लाख टिकट बेच चुके हैं और इसके खाते में सिर्फ हिंदी से ही 7,800 आ चुके हैं। तमिल डब्ड वर्जन की बात करें तो 2.1 लाख की बुकिंग ये मूवी कर चुकी है, जिसमें से 1600 टिकट ये वहाँ बेच चुके हैं एंड 89 या 90 सोज इनके खाते में तमिल डब्ड वर्जन से आ चुके हैं। तेलुगु डब्ड वर्जन की बात करें तो भाई 1.6 करोड़, तेलुगु से बहुत सॉलिड रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा है, क्योंकि एनिमल प्लस सालार है इसका जो कॉम्बो बैठ रहा है भाई, तेलुगु ऑडियंस का ट्रस्ट जीत रहे हैं ये लोग। AA फिल्म्स फाड़ने वाली है, जबरदस्त करने वाली है, एनिमल से उसके बाद सालार में जो कमाई होगी भाई फाड़ होने वाली है। तो तेलुगु डब्ड वर्जन से 1.6 करोड़ एंड 1.02 लाख टिकट ये लोग तेलुगु डब्ड वर्जन से बेच चुके हैं, ऑलमोस्ट 1000 सो जिनके खाते में रख चुके हैं किससे, तेलुगु डब्ड वर्जन से।
कन्नड़ा की बात करें तो भाई कन्नड़ा लैंग्वेज से भी धमाल मचाते नजर आ रहे हैं। 1.89 लाख की बुकिंग ये लोग सिर्फ कन्नड़ा रीजन से ले चुके हैं। ऑलमोस्ट 1590 टिकट वहां बेच चुके हैं। तो बात करते हैं भाई टोटल मुद्दे की बात पर आए कि टोटल कितने टिकट बेच दिए, टोटल कितने सौ जिनके खाते में आ चुके हैं। टोटल टिकट इन्होंने बेच दिए हैं लगभग 584,000 के आसपास, और टोटल सौ जिनके खाते में आ चुके हैं अभी तक 8,900। सोच की संख्या इसलिए कम लग रही है क्योंकि भाई सैम बहादुर मूवी की रिलीज हो रही है 1 दिसंबर को, जो बिग क्लैश होने वाला है। विकी कौशल अपने फील्ड का बाप लेवल का एक्टर है, वो जबरदस्त करने वाला है। हाँ, एनिमल जबरदस्त कलेक्शन करेगी, ज़्यादा कलेक्शन करेगी नो डाउट, लेकिन सैम बहादुर भी पीछे नहीं हटने वाली है। तो टोटल टिकट जिन्होंने इतने बेच दिए, उसके बाद टोटल कलेक्शन, भाई मुद्दे की बात पर आए कि टोटल कलेक्शन अभी तक कितना कर चुकी है, मतलब 2 दिन पहले ही, आज से दूसरे दिन में मूवी रिलीज हो जाएगी, तो लगभग 14.5 करोड़ की एडवांस बुकिंग ये लोग अभी से ले चुके हैं। भाई साहब अभी तक लग रहा था कि 20 करोड़ ये लोग ले आएंगे अपनी सिर्फ एडवांस से, लेकिन टाइगर 3 के रिकॉर्ड को भी ये ब्रेक डाउन करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि टाइगर 3 ने 23 करोड़ अराउंड में इन्होंने कलेक्शन किया था सिर्फ एडवांस से। तो भाई जब अभी इतना हो रहा है तो आज रात तक, आज शाम तक जब एंड ऑफ दिस 29th नवंबर खत्म होएगा, लगभग 18 से 19 करोड़ तो ये लोग पहुंच ही जाएंगे। तो भाई देखा जाएगा कि यार क्या जवान के फर्स्ट डे के नेट इंडियन कलेक्शन रिकॉर्ड को ये ब्रेक डाउन कर देंगे, क्या पठान के नेट इंडियन कलेक्शन के रिकॉर्ड को ब्रेक डाउन कर देंगे। जवान ने कितना किया था फर्स्ट डे में, लगभग 75 करोड़ ऑल लैंग्वेज को मिलाकर, है ना। उसके बाद पठान ने किया था 54 करोड़ फर्स्ट डे पर ऑल लैंग्वेज को मिलाकर, एंड लियो ने भी कलेक्शन किया था 64 करोड़ 80 लाख के आसपास फर्स्ट डे पर ऑल लैंग्वेज को मिलाकर। क्या 50 करोड़ टच कर जाएगी, भाई साहब देख कर लग रहा है इजीली टच कर सकते हैं। सिर्फ हिंदी से 40 करोड़ ठोक के मारने वाली है एनिमल, एंड उसके बाद तेलुगु से बहुत अच्छा रिस्पांस देखने को मिला, देन तमिल एंड कन्नड़ा वहां से भी पीक अब हाई जाते दिख रही है। तो हो सकता है 48 से 50 करोड़ ये नेट इंडिया से कलेक्शन ठोक के मारने वाले हैं डे वन पर। क्या जवान को चेज कर जाएगी 75 करोड़ है, क्या पठान के 54 करोड़ के नेट इंडियन कलेक्शन डे वन के रिकॉर्ड को ये बीट डाउन कर सकती है, मे बी एक बार के लिए पठान के रिकॉर्ड को बीट डाउन कर सकती है। ए रेटेड मूवी है, फैमिली नहीं जाएगी देखने के लिए, फुल एडल्ट कॉन्टेंट है, ब्रुटैलिटी वॉयलेंस हद तक मिलने वाली है, थोड़ा किसी मिसिंग सीन भी मिल जाएंगे क्योंकि कबीर सिंह में हमें थोड़ा सा खुल्लापन देखने को मिला था। तो संदीप रेड्डी वांगा भाई ऐसी चीज़ों से हिचकिचाते नहीं है, जो है सो है, एज इट इज जो रॉ चीज़ है वही रखने की कोशिश करते हैं। दैट्स वाई कि उनके सिनेमा को इतना प्यार मिलता है, जो हमने कबीर सिंह में भी देखा था, और इसमें तो और भी ज़्यादा हद तक भाई खुल्ला शुरू से ही बोल दिया था ए रेटेड मूवी है, धड़ल्ले से चला रहे हैं, तो कितना हो सकता है देखा जाएगा। आप लोग ही कह रहे हैं, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, चाहे